कि हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए कि जो गवर्नमेंट ने 2017 में रैपिड केयर स्कीम यहाँ पर इम्प्लीमेंट की, उसमें 7,313 पोस्ट आइडेंटिफाई की। तो पहले फेज़ में उन्होंने 3,000 पोस्ट निकाले थे एज अ फर्स्ट फेज, तो उन 3,000 में मतलब जो 300 पोस्ट है वो अभी भी वैकेंट है। और ये बताया कि हम आपको 6 महीने के बाद वो दूसरा फेज निकालेंगे, लेकिन 2 साल से हम मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं कि सेकंड फेज़ का वेटिंग कर रहे हैं। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे सेकंड फेज़ रिलीव कीजिए। और ये बात बताना, ये भी बात बताना चाहते हैं कि जो मतलब हमारे से बहुत सारे लड़के ओवर एज है, वो ओवर एज हो गए हैं और हो भी जा रहे हैं आगे लड़के, तो प्लीज़ प्लीज़ सेकंड फेज़ रिलीज कीजिए। कर रहा हूँ फिज़िकल एजुकेशन, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसमें मैंने लोन लिया हुआ है, लोन की वजह से मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे जो अपना फ्यूचर जो है वो डार्क नज़र दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हम जो लड़के यहाँ पे जमा हुए हैं बेरोज़गार हैं, सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। उन्होंने एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम था रैबर खेल, उन्होंने कहा था कि स्कीम में हम 7,313 पोस्ट जो है इसमें हम एडजस्ट करेंगे लड़कियों को फेज़ वाइज। पहला फेज़ उन्होंने निकाला था 3,000 का, 3,000 में से उन्होंने 300 पोस्ट जो है अभी वैकेंट है वो फिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम दूसरा फेज़ जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और आप लड़कों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2 साल हो गए, अभी 2 साल तक उन्होंने इस पर कोई गौर नहीं किया, कोई अमल नहीं किया, और जो लड़के जो हैं वो परेशान हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये सेकंड फेज़ हो जाए, हमें रोज़गार मिल जाए। मसला ये है कि आप जानते हैं कि COVID-19 चल रहा है, घरों से निकलना बहुत मुश्किल है, सरकार के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। बदकिस्मती ये है कि हम इतने मजबूर हैं, इतने परेशान हैं कि यहाँ पर आना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर नहीं आएंगे, अपनी बात सरकार तक नहीं पहुँचाएंगे, तो घरों में बैठ बैठ के हम ये सरकार तक नहीं पहुँचा सकेंगे। मेहरबानी करके हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप हमारी तरफ देखिए, हमने लोन लिया हुआ है, आधुने ज़मीनें अपनी बेची हैं, घर में बच्चे हैं, मेहरबानी करके हमें रोज़गार फराहम कीजिए। मेहरबानी।